बिजनौर से एक वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया है जिसमें भाजपा के विधायक ओम कुमार वोट न देने वालों का काम नहीं करने की बात कह रहे हैं। नाटौर सीट से विधायक ओम कुमार मतदाता अभिनंदन कार्यक्रम में कह रहे हैं, कोई भी अधिकारी आपकी बात नहीं सुनता, आपका सम्मान नहीं करता, आप मेरे पास आइए, मुझे बताइए, मैं चलूंगा आपके साथ जहाँ मुझे जाना होगा, लेकिन उस अधिकारी को जिले में रहने नहीं देंगे। कोई भी अधिकारी आपके बात को नहीं सुनता है, आपके सम्मान नहीं करता है, आप मेरे पास आइए, मुझे बताइए, मैं चलूंगा आपके साथ जहां मुझे जाना होगा, लेकिन उस अधिकारी को यहां पे जिले में रहने नहीं देंगे। जमाने चले गए जब ओम कुमार कह देता था कि ठीक है तुमने आपके वोट नहीं दिया, तुम आपके वोट दे देना, अब वो बात नहीं रहेगी, अब जो वोट देगा काम उसका ही करूंगा। तो देखा आपने ये विधायक किस तरह की बातें कर रहा है। और दूसरी ओर ये भी कहते हुए नजर आ रहे हैं कि अब सबका साथ सबका विकास वाला मामला नहीं चलेगा, जो वोट देगा उसी का काम होगा। एक मजहब के लोगों ने इसीलिए वोट नहीं दिया कि उन्हें मोदी और योगी से गुंडागर्दी का लाइसेंस मिल जाए, अब उनको गुंडागर्दी का लाइसेंस नहीं देने देंगे और ऐसे लोगों का इलाज किया जाएगा। तो देखा आपने जिस तरह से विधायक की ये बोल है, उस हिसाब से तो लग रहा है योगी जी ने खुला छूट दे रखी है अपने विधायकों को गुंडागर्दी करने के लिए। दरअसल नाहटौर से विधायक ओम कुमार लोकसभा 2024 चुनाव में नगीना से भाजपा प्रत्याशी थे। वह चंद्रशेखर से चुनाव हार गए थे। चंद्रशेखर ने नवाज और कावड़ को लेकर एक हफ्ते पहले बयान दिया था, कहा था कि कावड़ के लिए 20 दिन तक दुकानें, अस्पताल और सड़क बंद की जा सकती हैं। क्या ईद की नवाज 20 मिनट तक सड़क पर नहीं पढ़ी जा सकती? इसी को लेकर विधायक ने गुस्सा जताया और कहीं ना कहीं उनका गुस्सा ही था जिसको लेकर वो इतनी बड़ी बात कह रहे हैं। दरअसल ओम कुमार तीसरी बार 2022 में विधायक चुने गए थे। पहले 2012 में बसपा के टिकट से नाहटौर विधानसभा सीट से विधायक बने थे। 2017 का चुनाव वह भाजपा से लड़कर जीते थे। 2022 में वह भाजपा के टिकट पर ही जीते हैं। लेकिन जिस तरह से उनके बयान है, ऐसे में देखने को मिल रहा है कि हर जगह भाजपा प्रत्याशी या भाजपा के विधायक या नेता अक्सर गुंडागर्दी भरी बातें करते रहते हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि आखिर योगी के संज्ञान में आने के बाद क्या इन पर कार्रवाई होती है या नहीं।